सरकार की पार्टी से माढ़ा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे धैर्यशील मोहिते पाटिल ने जब से नामांकन भरा है तभी से वो चर्चा में है। पाटिल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ साथ माढ़ा लोकसभा क्षेत्र में हजारों किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। करकम में विजय शुगर और आदिगांव में विजय शुगर में लिए गए शेयर्स के साथ साथ गन्ने की जितनी मात्रा इस फैक्ट्री में ज्यादातर किसानों ने खर्च की थी वो अभी बाकी है। लोग कह रहे हैं कि धैर्यशील मोहिते पाटिल सांसद पद के लिए मैदान में हैं। सांसद के रूप में चुने जाने के लिए बहुत पैसा लगता है और जब मोहिते पाटिल के पास इतना पैसा खर्च करने के लिए है, संसाधन है, तो लोगों में गुस्सा है कि वो लोगों का बकाया क्यों नहीं देते। धैर्यशील मोहिते पाटिल तब से चर्चा में है जब से उन्होंने माढ़ा लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उनका मामला फिलहाल अदालत में लंबित है। मोहिते पाटिल परिवार ने पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिंह मोहिते के नाम पर दो अच्छे संस्थान शुरू किए थे लेकिन अब उन पर किसानों का बकाया न देने के आरोप लग रहे हैं। माझ्या सारख्या अनेक महिलांचा आणि माझा तर वैयक्तिक हातळतळ हा त्यांना लागणारच आहे। त्यांनी खूप लोकांचं वाईट केले, खूप रस्ते संसार लोकांचा रस्त्यावर आणले। सुमित्रा पतसंस्थेचे खूप लोक मेलेत, त्यांचे आजी म्हणजे प्रत्येकाचं मी काही नाव इथं घेऊ शकत नाही, पण खूप लोक रस्त्यावाले त्यांचे घरदार घेतले की फ्रॉड जो पेपरला दिला होता त्याच्या 10 पटीने ह्यांनी त्या लोकांकडून वसूल करून घेतली आणि ही बँक त्यांनी मोडीत काढली। ऍक्च्युली हा फ्रॉड खरं त्यांनीच केलाय, हे फक्त कामगाराच्या माथी मारून रिकामे झालेत। प्रकरणामध्ये दहशत कोणाकोणाची आहे? दहशत सगळे मोहिते पाटील कुटुंबाची, त्यांचा इतिहास जर बघितला तुम्ही तर सगळं दहशतीच्या वातावरणाखालीच माणसे रस्त्यावर घेतले। जनतेला प्रत्येक माणसाला म्हणजे नाही का त्यांच्या संस्थेत कुठल्या कामाला असो काय असो वेटीस धरणं रात्री अपरात्री। आता ताजं प्रकरण आहे तुमचं, ते धैर्यशील मोहिते पाटलांनी बंदूक लावून एकाकडनं पतसंस्थेची वसुली करून घेतली, मारहाण करणं, धैर्यशील पाटील वगैरे अजून कोण असतील त्यांच्या घरातले सगळेच दहशतीचं वातावरण, दारू पिऊन लोकांना रात्री अपरात्री लोकांच्या घरात पाठवणं, वसुली करणं, पतसंस्थेच्या वसुली असो किंवा इतर कोणतेही वसुली असो, हे धैर्यशील मोहिते पाटलांच्या मार्फत जयसिंह मोहिते पाटील असो किंवा यांचं इतर कोणी फॅमिलीतलं असो हे चालूच आहे ना। अजून लोकांना त्रास देणं, मानसिक हॅरेसमेंट करणं, लोकांचे पैसे भरायसाठी लोकांना मजबूर करणं, हे काम या ठिकाणी धैर्यशील मोहिते पाटील व सगळंच मोहिते पाटील कुटुंब या ठिकाणी करतंय, करत आले आहेत आणि इथनं पुढे बी तेच करणार आहेत। फक्त आम्ही डेअरिंग केली, त्यांच्यावर केस केली, त्याच्यामुळे थोडं पण तरी पण लोकांवर दडपण आणून काही केलं तरी पैसे वसूल करणं हे करणं, लोकांच्या घरी माणसं पाठवून चालूच आहे त्यांचं अजून। साथ ही साथ आरोप है कि मोहिते पाटिल ग्रुप के कुछ सदस्य आए दिन होटलों में शराब पार्टियां व अन्य चीजों पर खर्चा करते नजर आते हैं लेकिन जब किसान अपना पैसा मांगने जाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। बताया जा रहा है कि लोगों में इस बात का भी गुस्सा है कि ये सब जानने के बावजूद एनसीपी शरद पवार गुट ने उन्हें टिकट दिया है। खैर, महाराष्ट्र की इस सीट पर चुनाव त्रिकोणीय है और बेहद दिलचस्प है। अब देखना होगा कि इन सब आरोपों के बीच मोहिते पाटिल जनता को मनाने में कामयाब होते हैं या निर्दलीय उम्मीदवार राम गायकवाड़ जीतते हैं जो यमराज का रूप धारण कर नामांकन करने पहुंचे थे या फिर बीजेपी के रंजीत नायक निम्बालकर कमल खिला पाते हैं।